ये कौन से साइज के कूलर कहलाते हैं? ये अपना 18 इंच के होते हैं, 18 इंच फैन का साइज है। ठीक है, ये इसमें आइस बॉक्स वाले हैं। अच्छा, इसमें आइस बॉक्सेस भी मौजूद हैं, यानी कि अगर हम इसमें बर्फ जमा के डाल दें तो पानी भी ठंडा हो जाएगा। जी बिल्कुल, इससे रोटेट होके जाएगा, ठंडी हवा और जाएगा। सही है, और इसका ऊपर से एक टब सिस्टम नए अंदाज में बनाया गया। जी जी ठीक है, इसके प्राइस क्या है वैसे? ये तो प्योर प्लास्टिक में है। हाँ, ये है 10,200 रुपये। 10,200 रुपये में ये भी सेम प्राइस में है? थोड़े से कम में। अच्छा, इसमें आइस बॉक्स नहीं, इसमें आप बर्फ डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी ऑप्शन है, बर्फ का सही है, वो रखते हैं बॉक्स। ये भी मिल जाएगा, ये 8,200 रुपये का है। 8,200 रुपये, और ये वाला 10,800। 10,800 रुपये वो छोटा साइज है उससे? थोड़ा छोटा है। ये छोटे साइज का क्या हिसाब है? ये 7,900 रुपये का। ये 7,900 रुपये का भी बॉक्स। अच्छा, आइस रखने का ऑप्शन, बर्फ रखने का ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है सर, और इधर भी कुछ डिज़ाइन मौजूद हैं? अच्छा, ये अलग कलर में है, ये बगैर वो बॉक्स वाला है। अच्छा, विदाउट बॉक्स है ये, आइस बॉक्स नहीं है इसमें। 7,200 रुपये। 7,200 रुपये में। ठीक है, अच्छा आइस वाला ही है। अच्छा, इसमें भी आइस बॉक्स की सहूलत दी हुई है। आइस बॉक्स वो सेम वैसा ही है, लेकिन हाँ कलर चेंज है, प्लास्टिक थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का। अच्छा, ये इसमें प्लास्टिक की क्वालिटी लो है। 9,200 रुपये का पड़ेगा। 9,200 रुपये का ये। ठीक, अच्छा पैनल्स के बारे में भी कुछ अपडेट्स दें, ये जो स्मॉल साइज पैनल्स हैं इनका क्या सिलसिला है? 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट, इसमें भी 40-50 भी आते हैं, वो ख़त्म हुए हैं। हाँ, मिल जाते हैं। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस रेंज क्या है? 700 5 वाट का है, 10 वाट का 1,200 रुपये का है, 20 वाट का 1,600 रुपये, 30 वाट का जो है वो आपको ये है 2,400 रुपये का है, फिर ये 80 वाट का पड़ा हुआ है 4,400 रुपये का है, ये 150 वाट का है, ठीक है, ये 5,800 रुपये का है, ये मिल जाएगा आपको। 4 कंपनी का है, ये राइजिंग कंपनी का है, ठीक है, फिर ये 200 वाट का है। अच्छा, 200 वाट का भी पैनल मौजूद है, और ये मतलब 12 वोल्ट के लिए, ये 24 वोल्ट के लिए। अच्छा, 200 वाट का पैनल कितने का है? 200 वाट का है, ये जापानी सोलर है। हाँ हाँ ठीक है, ये 9,800 रुपये। 9,800 रुपये का। 250 वाट भी है। अच्छा, पीछे 250 वाट का बड़ा पैनल भी रखा हुआ है, वो 24 वोल्ट में ओपने आते हैं 250। अच्छा सही है, दोनों हाफ कट में भी मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें स्मॉल साइज में भी हाफ कट आ गए हैं। ठीक है, इसके रेंज प्राइस वाट है, ये 6,600 में 200 वाट, 24 वोल्ट है ये, 12 वोल्ट में, ये वाला 12 वोल्ट में हाफ कट में। सही है, ठीक है, यहाँ पर जो पैनल्स बड़े वाले रखे हुए हैं इनका कुछ बताइए, हाफ कट है ये 410 वाट के। 410 वाट, यही सामने भी रखे हैं? सामने वाला। ठीक है, 410 वाट में इनकी प्राइस रेंज क्या है? 14,400 रुपये। 14,400 रुपये का है ये। चलो ठीक है, अप डाउन रहते हैं अब, आजकल बहुत हाई रेट। हाँ, प्राइस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी के आज के रेट हैं, कल भी चेंज हो सकते हैं। कल भी चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो जो वीडियो देखने वाले हैं वो अपने जहन में इस बात को रखें कि ये आपकी मालूमात के लिए है, तो इन प्राइस पर आकर दुकानदार से झगड़ा ना करें। ठीक है, अच्छा ये दीगर जो फैन है ये बताइए इनके बारे में। ये मुख्तलिफ कंपनी है, अजवा कंपनी का है, 4,000 रुपये का है। अच्छा, ये अजवा वाला जो है 4,000 रुपये का, एसी डीसी में। सही है, कुर्सी का सिर्फ बिजली वाला भी आता है। अच्छा हाँ, सही है, ये इसमें इन्होंने सर्किट लगा के सिर्फ बिजली पे चला। अच्छा, अगर सोलर पे नहीं इस्तेमाल करना, नॉर्मल बिजली बचानी है तो ये चला सकते हैं। ठीक है, इसके क्या प्राइस है? ये वाला है 6,000। 6,000 रुपये का, इनकी वारंटी भी है? वारंटी भी। ठीक है, और ये जो कंट्रोलर्स हैं इनकी भी रेंज बता दें, जो चार्ज कंट्रोलर है। 20 एम्पीयर है, 20 एम्पीयर है, 20, 30, 5, 10 एम्पीयर, 10 और 50 होगा। 50 एम्पीयर। ठीक है, तो इनके क्या प्राइस है एवरेज? 10 एम्पीयर 500 रुपये का है। 500, 20 एम्पीयर 800 रुपये, 800, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500। कंपनी की क्वालिटी के अलग अलग, जो सबसे बड़ा है वो 50 एम्पीयर है, 50 एम्पीयर का भी है और 60 एम्पीयर, 60 एम्पीयर भी है। अच्छा ठीक है, तो इनके क्या प्राइस है? 60 एम्पीयर 3,500 रुपये का। सही है, 50 एम्पीयर 1,800 का भी है, 2,200 रुपये। अच्छा, क्वालिटी वाइज है। और ये जो डीसी बल्ब हैं इनकी रेंज भी बता दें। डीसी बल्ब हैं ये 7 वाट है, इसमें 18 वाट तक है। ठीक है ठीक है, 7 वाट का बल्ब, ये मशाल कंपनी के अच्छे बल्ब हैं। सही है, इनकी रोशनी जैसे हम हमारे
कम हो जाती है ना वो, हाँ, हाँ, नहीं है, अच्छी अच्छा अच्छा है। इसमें बेहतरीन क्वालिटी वाइज ही अच्छा बनाया गया है। वारंटी वाले भी हैं, अच्छा 6 मंथ वारंटी भी है, सही है, बगैर वारंटी वाले भी हैं, सही है। तो इनके क्या प्राइस रहेंगे? वारंटी वाला जो आप लेंगे 7 वाट का, तो वो 250 रूपए का है, बगैर वारंटी के लेंगे 120 रूपए का। सही है, 250 का वारंटी के साथ 6 महीने की वारंटी है, रोशनी कम नहीं होगी, नहीं, ठीक है। आप इनका बगैर वारंटी का भी लेंगे उसकी भी कम नहीं, अच्छा कम नहीं होती, लेकिन वारंटी वैसे रेट में फर्क है, ठीक है, सही। अच्छा ये भी वही 175 वाट्स में है, 160 वाट्स में है। अच्छा ये एक ब्लैक, इसमें टेफ्लॉन ब्लैक कलर का दिया हुआ, सही है, सादे वाला जो व्हाइट कलर है, अच्छा, वो भी है, हाँ नॉर्मल जो एक स्टैंडर्ड लुक है, ठीक है। इसमें 9 बस बार वाला दिया हुआ, अच्छा 9 बस बार में, सही है, बस बार जिसमें ज्यादा दी गई है। तो इनके प्राइस क्या है? ये 6800 रूपए, 6800 रूपए का 9 बस बार वाला। नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाला जो 5 बस बार ये फुल ब्लैक में है, ये 6200 रूपए, 6200 का ब्लैक में, और व्हाइट में तो व्हाइट वाला 6000 रूपए का, ठीक है, ठीक। सनसेट भी पड़ा हुआ है, अच्छा और भी है, ये सनसेट के नाम से जी, 6300। इस सोलर पैनल्स वारंटी कितनी दे रहे हैं आप? हम 5 साल की वारंटी, 5 साल की वारंटी इन पैनल्स की, आप छोटे जो पैनल्स हैं इनकी दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 साल में अगर ये वोल्टेज या एम्पियर ड्रॉप करते हैं, इस चीज की वारंटी होती है, क्लेम हो जाएगा ये, टूट गया, जल गया, जलने टूटने की वारंटी नहीं होती, ठीक है। और जो खुर्शीद फैन है उनकी वारंटी कितनी चल रही है? खुर्शीद फैन की अभी पहले 1 साल थी, हाँ, 2 साल की मोटर की वारंटी देते हैं, और 6 महीने इसके सर्किट की, 6 महीने की सर्किट की वारंटी है, और 2 साल की इसकी मोटर की वारंटी है। खुर्शीद फैन के क्या प्राइस चल रहे हैं? फैन अभी 6200 रूपए का, 6200 रूपए पे खुर्शीद फैन के रिटेल प्राइस चल रहे हैं, और क्वान्टिटी पे कम हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास पेडिस्टल फैन है, ये स्टैंड फैन जो कहलाते हैं, ये 2800 रूपए का है, 2600 का है, इसमें मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट है, 2800 और 2600। और ये अलहमद का है, अलहमद कंपनी वालों का है, उनकी अपनी वाइंडिंग की मोटर है, अच्छा, तो इसका थोड़ा सा है रेट हाई। क्या रेट है इसके? 4800 रूपए में, ज्यादा अच्छी क्वालिटी में ये मिल जाएगा, अपनी वाइंडिंग की मोटर है, बलिनो नहीं है, अच्छा बलिनो मोटर्स नहीं है इसमें, अपनी वाइंड की हुई मोटर्स हैं, और इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। और कितने एम्पियर्स पे चलते हैं ये? है 4.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर, इसका मतलब इसकी हवा ज्यादा होगी, ठीक है। बलिनो मोटर नॉर्मली जो है उसकी हवा इतनी ज्यादा नहीं होती है, हवा ज्यादा होती है, हाँ, लेकिन एम्पियर्स भी उसके 8 से 10 तक चला जाता है, ठीक है। अच्छा ये भी वही रेंज है सारी पंखों की? ये 18 इंच में साइज है, 17-18 इंच है, फिर इसमें प्लास्टिक वाले भी हैं, जीएफसी के भी हैं, मुस्लिम रेट है। इनकी एवरेज प्राइस रेंज कम से कम और ज्यादा से ज्यादा बताइए। 2250 से लेके आपको ये मिल जाएंगे 4800 रूपए, अच्छा 2250 से 4800 तक डिफरेंट साइज और डिफरेंट टाइप के अवेलेबल, ठीक है, बलिनो और विदाउट बलिनो मोटर्स भी, अपनी जो वाइंड की हुई मोटर्स हैं उनके साथ, ठीक है। इसमें एसीडीसी भी है, अच्छा इसमें एसीडीसी भी है, अच्छा जब चाहे बिजली पे चलाने हो, जब चाहे बैटरी से चलाने, कंपनी का है, सही है, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन है, ये 12 वोल्ट का है और ये बिजली का भी ऑप्शन है, डायरेक्ट चार्जर ही है, ठीक है। इसमें एसी का भी है और डीसी का भी है, चाहे तो बैटरी से चलाएं, सोलर से चलाएं, या चाहे बिजली पर चलाएं, जबरदस्त, ठीक है। और जो ये हैं अपने सीलिंग फैंस, इनका कुछ बताइए, जीएफसी के मॉडल्स हैं अलग अलग, हाँ ये मॉडल है इनका, प्लेन वाला है, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये 4800 रूपए के हैं, 4800, हाँ रावी आता है, एक रावी प्लस आता है, सही है, 5200, अच्छा ये वाला 5000 का है, हाँ जी नीचे वाला 5000, और ये 5200 रूपए का है, नीचे डिजाइन का फर्क होता है, ठीक है, खूबसूरती की वजह से पैसों का फर्क है। और रॉयल फैन जो है, रॉयल फैन ये 4300 रूपए का डिजाइन वाला, अच्छा ओपरी 5300 रूपए, 5300 का डिजाइन वाला है, और जो प्लेन है वो 5100 में सादा, और 5300 में डिजाइन वाला, ठीक है। अच्छा ये जो हमारे वॉल ब्रैकेट फैन है, 2800 रूपए का है, 2800 रूपए का ये तरन्नुम पंखे जी, और इसमें अलहमद का, ये भी एसीडीसी फैन है, सही है। अच्छा इसमें एसीडीसी दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, सही है, दिखा देते हैं जी, ऑप्शन आते हैं, सही है, 4800 रूपए, बिजली पे भी चलाएं और सोलर पे भी चलाएं, ठीक है। शीत के पेडेस्टल फैन है, ठीक है, जरा इनका पर्दा तो हटाएं, अंदर से दिखाएं कैसे हैं,
तो ये ब्लैक कलर में है, कलर में ये 20 इंच का साइज है, 20 इंच का है। इनकी अपनी मोटर होती है, अपनी मोटर है खुशी दोनों, ठीक है। और ये 24 इंच के, ये बड़ा है 24 इंच में, ठीक है। इसके इनके प्राइस भी तो बताएं। ये मैं बताता हूँ, ये पड़ेगा 5,500 रुपए, 5,500, ये पड़ेगा 6,300 रुपए, 6,300। अब इनमें खुर्शीद वालों ने एसी डीसी स्टैंड अच्छा निकाल दिया, ठीक है। ये खुर्शीद वालों का एसी डीसी पेडिस्टल फैन है, इसकी में परों की लुक ज़रा स्टाइलिश सी दी हुई है, लेकिन इनकी स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, स्पीड भी ज़्यादा है। और ये एसी डीसी है, यानी इसमें बैटरी का ऑप्शन भी है और के इलेक्ट्रिक या वापडा का ऑप्शन भी है, और रिमोट कंट्रोल। अच्छा, रिमोट भी दिया है इसमें स्पीड कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो इसके प्राइस क्या है? ये वाला है 9,800 रुपये का, ठीक है। जितना गोल डालेंगे उतना मीठा होगा, क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर है, सही है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको चला के भी दिखा सकता हूँ, अगर फौरन चल सकता है इजीली तो चला दें, जरा देख लेते हैं आपको यहाँ पर दिखाना। हाँ, दिखा दें इसको चला के, जरा देखें कैसी है। चलाएं जरा इसको, देखें कैसा चलता है। सर ये रिमोट किधर है इनका? अच्छा, ये भी बीप दे रहा है, इसमें वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला रिमोट, सही है। मुझे कोई पकड़ लो यार। अच्छा, वही इन्होंने जो है ना सीलिंग फैन वाला ही रिमोट दिया हुआ, ठीक है। ये इसकी फुल सही है, पीछे से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसकी स्पीड, ठीक है। पीछे से अभी अभी मैं इसको बंद करूं ताकि आपकी आवाज़ आ सके, आवाज़ नहीं आ रही असल में। अच्छा, ये पीछे से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैनुअल तरीका भी दिया हुआ है और रिमोट भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ऑटो टाइम बिजली और बैटरी से दोनों से लगा के रख सकते हैं, दोनों से लगाएंगे तो बिजली पे चलेगा। हाँ, फर्स्ट टाइम फर्स्ट बिजली, और जब लोड शेडिंग हो जाएगी तो ऑटो शिफ्ट हो जाएगा बैटरी पे, यानी दोनों पर एक वक्त में लगाने से कोई खराबी आने का खतरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और अभी ये आप इसको चेक कर लें, देखो बैटरी पे लगा दिया, ऑन करें बैटरी पे भी बहुत ही अच्छी स्पीड। आइए इसका प्लग निकालें ताकि हमें पता चले बैटरी पे ही चल रही है इसकी बैटरी, सेम स्पीड है, फर्क नहीं, बैटरी भी डाउन है। अच्छा, सही है, बेहतरीन। क्या प्राइस बताएं दोबारा एक मरतबा? 9,800 रुपये में। एक बार रोलें, महंगा रोए एक ही बार। बहुत ही अल अहमद वालों के एसीडीसी फैन भी हैं, इनमें दो तीन और मॉडल नए आ रहे हैं। अच्छा, मतलब इनकी प्राइस रेंज भी बता दें। 5,000 रुपये इनकी प्राइस है। 3 साल मोटर की वारंटी है। अच्छा, अच्छा, 1 साल सर्किट और 3 साल मोटर की वारंटी के साथ 5,000 रुपये में एसीडीसी फैन अल अहमद वालों का, ठीक है।